हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है ओपन ऑफिस कैलक की। यहाँ पे देख सकते हैं एक डेट लिखी हुई है, अब एक या दो डेट लिखी हुई है और यहाँ पर दिया हुआ है मंथ, मंथ के नीचे यहाँ पे वन लिखा हुआ है, फिर माइनस वन लिखा हुआ है। अब ये वन का क्या मतलब है और माइनस वन का क्या मतलब है, और इसके साथ ही हम सीखेंगे ईओ मंथ फंक्शन फॉर्मूले के बारे में। तो चलिए आइए सीखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ईओ मंथ, ठीक है, EO month लिखा हमने और यहाँ पर कर लिया ब्रैकेट को ओपन इस तरीके से। तो ये EO month फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब यहाँ कह रहा है स्टार्ट डेट और फिर मंथ। अब ये स्टार्ट डेट क्या है, तो स्टार्ट डेट में इसको चूज कर लेते हैं, हम देख सकते हैं ये इसको चूज कर लिया हमने। अब यहाँ पर लगाना है सेमी कोलन, कॉमा नहीं देना है भैया, सेमी कोलन देना है, ये बात याद रखिएगा, ये सेमी कोलन दिया। अब इसको चूज कर लेते हैं और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर एक नंबर हमें रिटर्न मिल रहा है, देख सकते हैं ये नंबर हमें रिटर्न मिल रहा है, और इसी तरीके से अगर इसको मैं ड्रैग करवा देता हूं तो भी हमें नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां से जगह तो इन दोनों नंबर्स को हम कर लेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहां पर राइट क्लिक करना है, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स नजर आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगे, लाइक अलाइनमेंट है, बॉर्डर है, बैकग्राउंड है, सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो फिलहाल हमें जाना ये नंबर्स वाले पे, नंबर्स वाले पे गए, यहाँ पर आपको डेट दिखाई पड़ेगा, ये डेट है ना, यहाँ पर आप कर दीजिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डेट के फॉर्मेट नजर आएंगे, जो भी आपको डेट का फॉर्मेट अच्छा लगता है उसको चूज करके यहाँ से ओके कर दीजिए। बस यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ गया है, देख सकते हैं। अब अगर इसको हम यहाँ से नीचे ड्रैग करवाते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ड्रैग करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 30 जून दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर भी 30 जून दिखाई पड़ रहा है 2022। अब ये क्यों दोनों जगह 30 जून 2022 ही आ रहा है, कारण क्या है मैं बताता हूँ। जैसे देखिए ये जुलाई का महीना है, अगर माइनस वन लिखते हैं आप तो माइनस वन का मतलब हो जाएगा कि एक मंथ आप पीछे चलिए, ठीक है, और अगर यहाँ पर केवल वन लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक मंथ आगे चलिए। अब ये मई का महीना है, यहाँ पे 5 यानी मई के मंथ की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है जुलाई के मंथ की, तो माइनस वन लिखेंगे तो आप एक मंथ पीछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई डेट टाइप करता हूँ, जैसे मान लीजिए 1/3/2022 टाइप करता हूँ, ठीक है, ये टाइप कर दिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ वन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वन लिखा, यानी कि एक स्टेप आगे जाएगा, यानी ये अप्रैल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से यहां पे क्या करता हूं, कुछ और लिखता हूं, लाइक यहां पे लिख दिया 4/6/2022, ठीक है। तो यहां पे दो डेट्स हमने लेके आई है। अब यहां पर क्या करता हूं, माइनस वन कर देता हूं, तो ये माइनस वन हो गया। अब यहां पर क्या करना है, खाली इसको ड्रैग करवा दीजिए, तो देखिए यहां पर वही वही चीजें होंगी। जैसे देखिए ये है मार्च, तो यहां लिखा हुआ है प्लस, ये प्लस वन है, यानी आगे प्लस लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस है। तो ये वन है और वन जो है मार्च के बाद अप्रैल का महीना आता है, तो ये अप्रैल में चला गया है, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं छठवां महीना है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का महीना है, तो यहां माइनस वन हुआ है, तो ये मई में चला गया है, देख लीजिए है कि नहीं। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये माइनस वन प्लस वन का चक्कर क्या है और ईओ मंथ को कैसे यूज करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ईओ मंथ हमने यूज किया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।